मिस कर रहे हैं। इस दोष का मतलब ये हुआ कि जो हमारे साइंटिफिकली देखें तो जो हमारे फाइव एलिमेंट हैं वो फाइव एलिमेंट हमारे कहीं ना कहीं इम्बेलेंस हैं, ठीक है, या उनमें कमी है, उसको हम दोष कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे दोषाज। मतलब कहा जाए कि ये फाइव एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जब वो इम्बेलेंस होता है तो जो है दोष राइज होते हैं, डेवलप होते हैं। जो ये दोष हैं ये पर्टिकुलरली एनर्जी का पैटर्न एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि है क्या, ये एलिमेंट है ना, फाइव एलिमेंट हैं, अर्थ वाटर फायर आकाश हाँ इथर और अग्नि, अग्नि तो हो गया, एयर, जल, वाटर को जल ही कहते हैं, हाँ वायु एयर, और ये सभी पर उससे एनर्जी से चलनी है। ये तो सब एनर्जी है, क्या चीज़, अर्थ एनर्जी नहीं है, वाटर एनर्जी नहीं है, तुम्हारी एयर एनर्जी नहीं है, ईथर एनर्जी नहीं है, क्या चीज़ एनर्जी नहीं है, पांचों एनर्जीज हैं। तो ये पांचों एनर्जी का पैटर्न जब जो है वो इम्बैलेंस होता है तब हमारे दोषाज बनते हैं। दोषाज से हमारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हमारी टेंडेंसीज, बिहेवियर टेंडेंसीज, और हमारे हाँ मेटाबॉलिक, मतलब कोई भी हमारी सक्सेस अनसक्सेस, हमारा हेल्थ, हमारे इमोशंस, हमारा रिलेशन, मतलब कोई चीज़ हमारी नहीं बचती जो कि इफेक्ट ना हो, ये भी वाट इज एनर्जी में इंक्लूड कर सकते हो दोनों को, कि एनर्जी क्या है। ये तो हर एक कोई मानता, कोई एनर्जी को नहीं मानता, लेकिन ये तो मानता कि फाइव एलिमेंट है, पांच महाभूत हैं, तो पांच महाभूत हैं, लेकिन ये पांचों महाभूत जो है ये हमारे कहीं ना कहीं कोई किसी में अर्थ की कमी है, किसी में वाटर की कमी है, किसी में अग्नि की कमी है, किसी में काय की कमी, किसी में किसी की कमी है, या किसी का कोई एक्सेस हो रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है इससे जो जिसके जिसमें कमी है, यानी कि उसका एनर्जी पैटर्न वो कम हो रहा है, वो एनर्जी पैटर्न कम हो रहा है या एनर्जी पैटर्न हाई हो रहा है, दोनों में नुकसान है, कम होने में नुकसान है, हाई होने में नुकसान है, यानी कि बिल्कुल मिडल चलना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चलना चाहिए। तो दिस इज एनर्जी, जब ये सारी चीज़ें हमें कॉस्मिक से ही तो मिलेंगी ना, अर्थ भी हमें कॉस्मिक से मिलेगी, फायर भी हमें कॉस्मिक से, फायर चाहिए तो हमें कोई आग तो अपने बॉडी में नहीं लगा लेंगे, या आग पे तो हम बैठ नहीं बैठ जाएंगे ना, अगर हमें फायर एलिमेंट चाहिए तो, एयर चाहिए तो एयर कहाँ से लोगे, कोई पंखे के नीचे एसी के नीचे आगे तो नहीं बैठ जाओगे, या आंधी में तो नहीं कूद जाओगे कि भी मेरे अंदर कमी है तो मैं चलो मैं वहाँ कूद जाऊँ, या एसी के आगे बैठ जाऊँ, या पंखे के नीचे ही बैठा रहूँ तो मेरी जो है एयर एलिमेंट मेरा जो है फुल हो जाएगा, भर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो हमें यूनिवर्स से ही मिले, अपने ऑटोमेटिकली मिलेंगी ना। ईथर है तो आसमान में कोई पक्षी या प्लेन में या जेट में जाकर के ईथर में नहीं चले जाओगे, तो यानी कि हमें ईथर है या फिर तुम्हारा एयर है या तुम्हारी अग्नि है या तुम्हारा वाटर है या अर्थ है, जो भी कुछ हमें फाइव एलिमेंट जो भी चाहिए वो हमें कॉस्मिक से ही मिलेंगे, कॉस्मिक में ही हैं पांचों ये, यानी कि एनर्जी लेवल पर ही मिलेंगे और ये एनर्जी ही हैं। और जब हम इनको एनर्जी लेवल पर लेंगे, चाहे हम किसी भी रूप में लें, चाहे हम वो फल फ्रूट के रूप में लें, अब फल फ्रूट में आदमी का ये है, चाहे हम फूल के रूप में लें, चाहे हम उनको हर्ब के रूप में लें,
चाहे हम उनको एक्सरसाइज करके करें, चाहे हम वॉक करके कर लें, चाहे हम सनलाइट में बैठ करके लें, मतलब किसी भी तरीके से हम लें, हम जब तक इनको एनर्जी रूप में हम नहीं लेंगे, हम इनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक हमारे फाइव एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं होंगे, तब तक हम हर लेवल पर हम सक्सेस नहीं होंगे। और ये हमारी सारी फाइव एलिमेंट हमारी सारी चीज़ों को अर्थली और स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मैटेरियलिस्टिकली, रिलेशन में, सब चीज़ों में ये हमारे इफेक्ट डालते हैं। जैसे अर्थ वीक है, इसका अर्थ में एलिमेंट वीक है, डरेगा, कंफ्यूजन रहेगा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम उसको रहेंगी, सीक्रेटिवनेस रहेगा, पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, घर कभी हाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब एक घर जो स्थिरता रहती है ना घर में, बिजनेस में, वो नहीं रहेगी। फायर की है तो गुस्सा वुस्सा ज़्यादा होगा, अगर एक्सेस हो गया है तो गुस्सा वगैरह ज़्यादा होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो भी, कम है तो भी डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगी, पेट वीक रहेगा। फ्रस्ट्रेशन रहेगी, तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में असर डालती हैं, हर चीज़ पर असर डालती हैं, हमारे बिहेवियर पर भी, हमारे इंटरनली भी, हमारे सोशली भी, हमारे फाइनेंशियली भी। नेम फेम भी नहीं मिलेगा, जो कोई काम करेगा उसमें काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, मोटा नहीं होगा, पतला होगा, तो ये सब एनर्जी है। हम इनको फाइव एलिमेंट बोल लें, हम इनको एनर्जी कह लें, बात यही है। तो ये ना कुछ भी कह लो, माँ कह लो, मम्मी कह लो, अम्मी जान कह लो, मदर कह लो, मोम कह लो, कुछ भी कह लो, है तो पैदा देख करने वाली माँ ही। तो एनर्जी है, उनको हम कुछ भी किसी भी नाम से पुकार लें, लाइट कह लें, एलिमेंट कह लें, किसी भी तरह फोटोन से होते हैं, इनकी फीलिंग भी होती हैं और बेनिफिट भी होते हैं, हार्म भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं।